आजकल कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आपका भी प्लान कश्मीर जाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। इस वीडियो में बात करूंगा मैं कश्मीर की, क्या आप जुलाई में कश्मीर जा सकते हो, आपको जुलाई में कश्मीर में क्या मिलेगा, क्या आपको वहाँ पर जुलाई में स्नो देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बात करूँगा मैं क्या कश्मीर में जाना जुलाई में सेफ है। इस साथ ही में बात करूँगा होटल बजट और रोड कंडीशन। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनाली में लास्ट ईयर क्या हुआ वो वीडियो तो आप सभी ने देखी होगी। तो चलिए बात करता हूँ मैं कश्मीर की। जुलाई में कश्मीर में आपको चारों तरफ ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी। ये मंथ कश्मीर का मानसून मंथ होता है। इस टाइम यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। मानसून में जो बारिश होती है वो लगभग दो दिनों से लेकर एक हफ्ते तक भी रहती है, जिसकी वजह से फ्लड आने और लैंडस्लाइड होने खतरे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट ईयर कश्मीर में भी लैंडस्लाइड देखने के मिले, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो जितना कि आपके मनाली में। मनाली में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के मिला, लेकिन कश्मीर में कभी ऐसा नहीं हो सकता, तो इस बात की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। तो चलिए बात करता हूँ मैं जुलाई में आपको कश्मीर में स्नो कहाँ पर देखने मिली। बाकी तो आपको कहीं भी जुलाई में स्नो देखने के लिए नहीं मिली कश्मीर में, सिर्फ एक जगह की जो कि आपका गुलमर्ग का फेज 2। वहाँ पर थोड़े चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पर स्नो देखने के मिल सकती है, बाकी मानसून की बारिश की वजह से वो स्नो ज़्यादा तेज़ी से भी पिघल जाती है। तो चलिए बात करता हूँ मैं क्राउड की। इस टाइम जुलाई में आपको कश्मीर में काफ़ी कम क्राउड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कम लोग जो इस टाइम घूमने के लिए जाते हैं मानसून की वजह से। ऑफ सीज़न होने की वजह से आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा होटल और रेंटल टैक्सी में। अगर मैं बजट की बात करूँ, आपको जो होटल 800 रुपये से स्टार्ट होंगे और जो दिन का आपका पर डे का खर्चा आएगा वो लगभग 2000 से 2500 रुपये के बीच में आएगा। मैंने आपको स्नो के बारे में बताया, बजट के बारे में बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप जो जुलाई में कश्मीर घूमने के लिए आएँ। मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जुलाई में कश्मीर घूमने के लिए आएँ, कश्मीर ही नहीं बल्कि कहीं भी हिल स्टेशन में आप घूमने के लिए आएँ। अगर आपका प्लान है जुलाई में आने का, तो आप थोड़ा सा पोस्टपोन करें, आप जो सितंबर के बाद ही आएँ, उसके बाद थोड़ी सी कंडीशन सही हो जाती है। अभी अगर आप आ भी गए तो आपको यहाँ पे एक तो आपको कंटिन्यू बारिश देखने की मिलेगी, ऊपर से आपको ना तो घूमने का मज़ा आएगा, ऊपर से कहीं लैंडस्लाइड होगा तो आप फंस भी सकते हो। बाकी कोई भी आपका ट्रैवल एजेंट या फिर कोई भी और यूट्यूबर बोलता है कि सेफ़ है, तो आप समझ लीजिए वो फ्रॉड है, आप उनकी बातों में बिल्कुल भी विश्वास ना करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी। आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी मुझे आप इंस्टाग्राम फॉलो करिए या फिर कमेंट करके मुझसे आप पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।